इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, ये तौहीद। और हम हाकिम खुद हैं, बदतरीन शिर्क। आज कितने मुवहिदीन हैं कि जो इस शिर्क को जानते हो, खुदा के सिवा किसी और की हाकमियत मानना, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह की नफी। यही वजह है, उनका कौल क्या है, हमारी पार्लियामेंट है वो फैसला कर सकती है, होमोसेक्सुअल मैरिजेस हम लाइसेंस कर देंगे, हम इजाजत दे देंगे, हमारा इख्तियार है। हमें यह नहीं पूछना कि खुदा क्या कहता है, न ईसाइत से पूछना, न यहूदियत से, न इस्लाम से, किसी से नहीं। हम बैठे हैं ना सॉवरन, वी आर सॉवरन, हमारे पास इख्तियार है, हमें मुंतखब कर लिया है तमाम आवाम ने, अवाम की हाकमियत अब हमारी हाकमियत की शक्ल में आ गई है, अवाम ने अपनी हाकमियत हमें डेलीगेट कर दी है, हमें मुंतखब करके वो डेलीगेट हमें कर दी है, हम हाकिम है जो चाहे फैसला करें। चुनाचे आज आपको मालूम है जदीद तरीन ममालिक के अंदर गे मैरिजेस, होमोसेक्सुअल मैरिजेस, दो औरतों के दरमियान शादी, दो मर्दों के दरमियान शादी हो रही, जो चाहे करें। शराब को चाहे तो हराम कर दें, शराब को चाहे तो हलाल कर दें। अमेरिका में प्रोहिबिशन एक्ट जो है 1930s के अंदर नाफिज किया गया, बहुत से जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स आ गए, इतने जो है हादसे हो जाते हैं शराब के नशे की वजह से, और रास जो है बड़ी बड़ी पार्टियां हो रही है शराब के नशे में धत होकर, किसी सफीर ने कोई बात उगल दी, किसी वजीर ने कोई रास जो है वो फाश कर दिया, तो ये तो बड़े बड़े गलत काम हो जाते हैं शराब से। शराब को बंद करो, वो शराब का प्रोहिबिशन एक्ट पास हो गया, लेकिन उसके बाद वो छुटती नहीं है, मुंह से ये जालिम लगी हुई आदत पक्की थी, उन्हीं लोगों ने दोबारा कह दिया नहीं जाइज है जी, खोलो इसको, इसको हराम नहीं हम कर सकते। इख्तियार बंद करने का भी हमारा है, खोलने का भी हमारा है। वी डोंट नो एनी गॉड कि उसके फैसले से होगा कि उसने किसी शय को हलाल किया या हराम किया है।